लास्ट सेशन की तरफ, टू आर वेरी लास्ट सेशन, जहां पर हमारा ये जो पार्ट है इसको हम लोग कवर करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 317 से हमारा डिस्कशन शुरू होगा इस सेशन के अंदर और आर्टिकल 323 तक जाएगा। तो मैं मान रहा हूं थोड़ा सा एजेंडा बड़ा है और हो सकता है कि 60 मिनट से शायद 65 या 70 मिनट भी हो जाए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को खत्म करके ही जाएं, जिससे जो हमारा नेक्स्ट सेशन हो वहां पे एक नई शुरुआत हम लोग कर सके, ठीक है। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बच्चे शुरू करता हूं आर्टिकल 317 के साथ। जब मैं आपको आर्टिकल 316 पढ़ा रहा था तो हल्का सा जिक्र आया था इस बात का कि जो आर्टिकल 317 है उसके अंदर रिमूवल के ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो उसकी तरफ भी हमारा एक ध्यान रहना चाहिए। देखो आर्टिकल 317 बच्चे कोई दो राय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल बताता है, तो बड़ा ध्यान से सुनना है, इसको समझना है, जो चीजें जरूरी लगे उसको लिखना है। तो जो भी चीजें अभी हम पढ़ेंगे आगे क्लॉज 3 के अंदर उनको ये सब्जेक्ट रहते हुए, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं या फिर कोई भी जो मेंबर है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूनियन जॉइंट या फिर स्टेट, उसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से, मतलब उसके पद से, प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर पर। ये देखना, बड़ा ध्यान से देखना, यहीं से शुरू होगी कहानी, प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर पर। और उसका आधार क्या होगा ये देखना बच्चे, उसका ग्राउंड क्या होगा, उसका ग्राउंड होगा मिसबिहेवियर। क्या होगा? मिसबिहेवियर। और ये कब हो सकेगा? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट, कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, और उस रेफरेंस के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगा उस मिसबिहेवियर के संबंध में, और इस इंक्वायरी के बारे में वही प्रोसीजर लगाया जाएगा जो प्रोसीजर की चर्चा हमने आर्टिकल 145 के अंदर की थी। इस पूरी इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद जब हमारा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करेगा कि भाई ये जो चेयरमैन है जिसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करवाई है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, या फिर ये जो कोई अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट कराई है मिसबिहेवियर के आधार पर, उसको निकाल देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, मतलब उसको रिमूव कर देना चाहिए। देखो बच्चे, यहां पर बहुत ही समझने वाली सिचुएशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली एनालाइज करने वाली सिचुएशन है। जो ग्राउंड है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना बच्चे आप लोग, कि अगर कोई भी चेयरमैन या फिर कोई भी मेंबर एक पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर उस पर एलिगेशन लगते हैं कि उसने मिसबिहेवियर किया है, तो ये शब्द जो है मिसबिहेवियर, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मिसबिहेवियर, बिहेवियर का जो लिटरल ट्रांसलेशन है, वैसे तो इसका जो एसेंस है वो वर्ताव की तरफ आता है, आपके इंटरेक्शन की तरफ होता है, बट यहाँ पे केवल वही सीमितता नहीं है। यहाँ पे बिहेवियर या फिर मिसबिहेवियर में हर वो सिचुएशन कंडक्ट होगी जहाँ पे आपने ऑफिशियल सेंस में, मतलब जो आपकी ऑफिस से जुड़ी हुई आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी आई वुड से मिसकंडक्ट किया होगा या फिर उनको सही से नहीं निभाया होगा, और केवल सही से नहीं निभाना नहीं, जहाँ पे वो बोलते हैं ना जान पूछ के करने वाला एसेंस हो जाता है, व्हेन यू हैव दैट पर्टिकुलर नेगेटिव माइंडसेट विद व्हिच यू आर डूइंग समथिंग। गलती तो सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है कि चेयरमैन या मेंबर से कभी गलती नहीं हुई, गलती इज नॉट द ग्राउंड, ग्राउंड इज मिसबिहेवियर, और कब वो गलती मिसबिहेवियर बनेगी वही सोचने वाली बात है। तो अगर किसी भी मेंबर पे या चेयरमैन पे एलिगेशन लगते हैं दैट ही हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मिसबिहेवियर उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के बारे में, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब एक रेफरेंस भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे जाएगी वो रेफरेंस? सुप्रीम कोर्ट के पास। देखो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल है यहाँ पर, और उस रेफरेंस को प्राप्त करने के बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और इंक्वायरी के लिए जो प्रोसेस जो प्रोसीजर है उसकी चर्चा आर्टिकल 145 के अंदर की गई है। जब ये इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे को बताएगा जिस नतीजे पे वो पहुंचा उस इंक्वायरी के अंदर, मतलब वो ये बताएगा कि उसके अनुसार उसे क्या लगता है कि जो व्यक्ति है जिस पे ये एलिगेशंस लगे थे मिसबिहेवियर के संबंध में, जिसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट की, बी चेयरमैन बी मेंबर, उसको हटा देना चाहिए या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ऐसे व्यक्ति को हटा देना चाहिए, हटा दो नहीं कर हटा देना चाहिए, तो हमारा प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को हटा सकता है। यहाँ पे देखो बच्चे बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को हटा दे। सुप्रीम कोर्ट का केवल जो रोल है वो इंक्वायरी कंडक्ट करने का है और सजेशन देने का है। उस सजेशन को हमारे प्रेसिडेंट साहब को मानना या नहीं वो उन पर निर्भर है, दैट इज फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड। प्रेसिडेंट ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ऐसा कम होगा, बट अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट का शायद ओपिनियन एक तरफ जाए और प्रेसिडेंट का ओपिनियन दूसरी तरफ जाए। हाँ ये प्रोसीजर जरूरी है, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को मिसबिहेवियर के आधार पर नहीं निकाल सकते बिना इंक्वायरी के, बिना रेफरेंस के, आपको करना पड़ेगा। बट इंक्वायरी और रेफरेंस के बाद जो सजेशन आता है उसको, उससे आप बाउंड नहीं हो। मोटे तौर पर 90% केसेस में तो वही होगा जिस बारे में सजेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस इंक्वायरी के तहत कुछ एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए गए होंगे, बट देयर इज नो सच बाउंडेशन। इन द एंड द लास्ट कॉल इज ऑफ प्रेसिडेंट, और जब मैं प्रेसिडेंट बोलता हूं सभी को पता है इसका मतलब क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्हीं की एड और एडवाइस पे वो काम करेगा, ठीक है। ये हो गया मिसबिहेवियर वाली बात। अब देखो क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, जहां तक बात यूनियन कमीशन की है या फिर जॉइंट कमीशन की है, या फिर जो हमारे गवर्नर साहब है, जहां तक बात हमारी स्टेट कमीशन की है, अगर वो चाहे तो, मतलब प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब अगर चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर रिमूवल की बात नहीं हो रही है, टालने की बात नहीं हो रही, सस्पेंड करने की बात हो रही है, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जो टेंपरेरी है, सस्पेंड कर सकते हैं। किसको सस्पेंड कर सकते हैं? या तो चेयरमैन को, या फिर किसी भी अन्य मेंबर को कमीशन के, गवर्नर साहब, स्टेट कमीशन और प्रेसिडेंट साहब, यूनियन कमीशन या जॉइंट कमीशन, क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। पर यहां पे भी क्या होगा? रेफरेंस की जरूरत है कि रेफरेंस भेजी गई हो सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसा भी हमने पढ़ा क्लॉज 1 के अंदर, और अभी प्रेसिडेंट साहब का फाइनल ऑर्डर ना आया हो कि उस व्यक्ति को रिमूव करना है या नहीं करना है। तो ये जो अवधि है रेफरेंस जाने से लेके प्रेसिडेंट साहब के फाइनल ऑर्डर आने तक, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चेयरमैन भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर चेयरमैन और मेंबर यूनियन कमीशन का है या फिर जॉइंट कमीशन का है, तो सस्पेंड करने की पावर प्रेसिडेंट साहब के पास है, और स्टेट कमीशन का है तो गवर्नर के पास है। यहाँ पे देखो बच्चे, कई बार बच्चे घूम जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, नहीं समझ पाते सिचुएशन को, इसलिए मैं बड़े ध्यान से प्यार से बताऊंगा, बहुत ध्यान से प्यार से समझना आप लोग। देखो बच्चे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दो अलग चीजों के बारे में है। सबसे पहले तो ये समझो, क्लॉज 1 रिमूवल के बारे में, मतलब किसी को परमानेंटली निकालने के बारे में, क्लॉज 2 केवल सस्पेंशन के बारे में। क्लॉज 1 एक परमानेंट ऑर्डर है, क्लॉज 2 एक टेंपरेरी ऑर्डर है। क्लॉज 1 के अंदर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, फिर वो चाहे यूनियन कमीशन हो, जॉइंट कमीशन हो, स्टेट कमीशन, पर
क्लॉज 2 के अंदर सस्पेंशन के बारे में यही जिम्मेदारी बटी हुई है। यूनियन और जॉइंट के संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, स्टेट के संबंध में गवर्नर के साहब के पास पावर है, और दोनों निर्भर करते हैं, क्लॉज 2 निर्भर करता है क्लॉज 1 पर। कहानी वही है कि किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगे मिसबिहेवियर के संबंध में, एलिगेशन लगे तो प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस भेजी सुप्रीम कोर्ट के पास, रेफरेंस भेजिए तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आएगा, ओपिनियन आएगा तो फिर कोर्ट फैसला, प्रेसिडेंट साहब फैसला लेंगे कि हटाना या नहीं हटाना। पर ये जो ड्यूरेशन है, ये जो प्रक्रिया है कि एलिगेशन लगना और एलिगेशन के बाद रेफरेंस भेजा जाना और रेफरेंस भेजा जाने से लेके प्रेसिडेंट के ऑर्डर निकालने तक हटाने के बारे में या फिर ना हटाने के बारे में, जो बीच की अवधि है इसके दौरान काम करता है हमारा क्लॉज 2। इस ड्यूरेशन के बीच में अगर प्रेसिडेंट साहब को जरूरी लगता है कि उस व्यक्ति को कार्य हमको कर ले करते रहने नहीं देना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए फॉर द टाइमिंग, फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है, अगर बात यूपीएससी की या फिर जॉइंट कमीशन की है, और अगर गवर्नर साहब ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा रेफरेंस वगैरह प्रेसिडेंट साहब ने, तो इसको भी काम नहीं करने देते, ठीक नहीं रहेगा, कि हो सकता है कुछ गड़बड़ करते, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है सस्पेंड कर देता है। तो स्टेट कमीशन के बारे में गवर्नर क्या कर सकेंगे, सस्पेंड कर सकेंगे। तो वही जो रिमूवल की प्रक्रिया है मिसबिहेवियर के आधार पर क्लॉज 1 के अंदर चल रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी के संबंध में सस्पेंशन की पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास उसी अवधि के लिए जब तक रेफरेंस लेकर फैसला नहीं आ रहा है। तो उसके सही स्ट्रक्चर को समझना है, ये कोई दो अल्टरनेटिव्स पावर नहीं है, ये कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक ही कहानी का पार्ट है, जिसमें परमानेंट जो रिलीफ मांगा जा रहा है वो रिमूवल का है, जिसमें टेंपरेरी जो रिलीफ दिया जा रहा है फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंशन का है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि रिमूवल के बारे में इट इज ओनली द प्रेसिडेंट, देयर इज नो रोल फॉर द गवर्नर, बट व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन वहां पर प्रेसिडेंट का भी रोल है और गवर्नर का भी रोल है। तो उसी को अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा रखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज, सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज 3, कि जो भी कुछ अभी हमने पढ़ा क्लॉज 1 के अंदर, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो ऑर्डर जारी करके ध्यान से देखना, जैसे सब्जेक्ट साथ में पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अभी जो मैंने बात बताई उससे चीजें बदलेंगी, कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो ऑर्डर निकालेंगे हमेशा रिमूवल के बारे में किसी चेयरमैन के या फिर किसी और मेंबर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन को बिलोंग करता है, अगर वो चेयरमैन या फिर वो अन्य मेंबर है वो उसके बारे में घोषणा आ जाती है कि वो इंसॉल्वेंट है। ये इंडिपेंडेंट ग्राउंड है बच्चे, क्या है वो इंसॉल्वेंट है, एक पहले बता देता हूँ ग्राउंड, फिर एक साथ समझा दूँगा। या फिर वो जो चेयरमैन है या फिर वो जो व्यक्ति है अपनी कार्य अवधि के दौरान, मतलब अपनी ड्यूटीज के दौरान किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में भाग लेता है, मतलब किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है जहां पे उसको पैसा मिल रहा है कार्यरत रहते हुए, कार्यरत के दौरान, या फिर सबसे महत्वपूर्ण कि प्रेसिडेंट साहब को किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है, उनकी राय है कि ये जो व्यक्ति है ये एक सही व्यक्ति नहीं है जो मेंबर के तौर पर या चेयरमैन के तौर पर रहना चाहिए सर्विस कमीशन का, और इसकी जो वजह हो सकती है, जो ग्राउंड हो सकता है, वो हो सकता है इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या फिर बॉडी, कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसका कंटिन्यू करना इन दिस पर्टिकुलर ऑफिस वो सही नहीं होगा। अब यही है बच्चे, यही बात है जो आपको बड़े ध्यान से समझनी होगी, और याद रखना कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो साथ में पढ़ाई मैंने आप लोगों को, क्लॉज 3, इनको हमेशा एक दूसरे से अलग पढ़ना है, अलग समझना है, एग्जाम में भी अलग लिखना है, खिचड़ी नहीं बनानी है। जहां एक तरफ क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आते हैं, जहां पे आधार है मिसबिहेवियर, जहां पे जरूरी है रेफरेंस भेजना, सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी कंडक्ट करना, उस इंक्वायरी के बाद ओपिनियन देना और फिर प्रेसिडेंट साहब का फैसला लेना, तो देयर वाज वन ग्राउंड, बहुत ब्रॉड है, मैं मानता हूं बहुत ब्रॉड ग्राउंड है, पर एक ग्राउंड क्या, मिसबिहेवियर, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया है रिमूवल के लिए क्लॉज 1 में, सस्पेंशन के लिए क्लॉज 2 में। पर यहां क्लॉज 3 के अंदर प्रेसिडेंट को 3 एडिशनल ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी पब्लिक कमीशन के चेयरमैन को या मेंबर को निकालने की पावर दी जा रही है, 3 अलग ग्राउंड, एडिशनल ग्राउंड्स। सबसे अच्छी बात यह है, मतलब सबसे डिफरेंट बात यह है कि यहां पे क्लॉज 1 वाली प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी नहीं है, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल कि सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजी जाए या सुप्रीम कोर्ट कोई राय दे, मतलब ये 3 ऐसे क्लॉज हैं जो पूर्णतः प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है, जिसमें जो पहले दो ग्राउंड्स हैं वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड हैं, और जो तीसरा ग्राउंड है वो प्रेसिडेंट साहब की राय पर निर्भर करता है। जैसे जो पहला ग्राउंड है उसमें प्रेसिडेंट साहब का कोई रोल नहीं है, वो बस एक सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी चेयरमैन या कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, तो फिर इट इज अ सिंपल ग्राउंड कि उसके आधार पर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। यहां पे ना ही प्रेसिडेंट साहब के लिए कुछ ओपिनियन बनाने की जरूरत है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल है या कोई रेफरेंस भेजने की जरूरत है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राउंड है कि ऐसा करोगे मतलब बाहर जाओगे सीधा साधा। यहां पे बस फॉर्मेलिटी है कि प्रेसिडेंट के द्वारा उस व्यक्ति को निकाला जा रहा है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वरना वो सिंपल हिट एंड चेज वाली सिचुएशन है। ये इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक कानून है बच्चे हमारे यहां इंसॉल्वेंसी एक्ट नाम से, अगर किसी भी व्यक्ति का दिवालिया निकल जाता है और वो अपने उधारी को चुकाने में असक्षम होता है, मतलब जो उसकी लायबिलिटीज है, तो वो आता है अथॉरिटी के पास और वो अपने बारे में घोषणा करवाता है कि मेरा दिवालिया निकल गया, मतलब आई एम इंसॉल्वेंट, आई एम नॉट केपेबल ऑफ लेटिंग गो माय लायबिलिटीज, मैं अपनी लायबिलिटीज को सैटिस्फाई करने में सक्षम नहीं, तो उसकी प्रक्रिया अलग, फिर कोर्ट अपने वो जो अथॉरिटी अपने हिसाब से प्रोसेस वगैरह कंडक्ट करती है और फाइनली में घोषणा जारी करती है अगर सब कुछ ठीक रहता है कि बंदा इंसॉल्वेंट है। जैसे ही ये अथॉरिटी के द्वारा घोषणा आई किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो इंसॉल्वेंट है और वो व्यक्ति का चेयरमैन या मेंबर होने का पद संभाल रहा है, चाहे जॉइंट कमीशन में, चाहे यूनियन कमीशन में, चाहे स्टेट कमीशन में, दैट इज अ डायरेक्ट ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, दूसरा ग्राउंड है कि अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन रहते हुए या फिर मेंबर रहते हुए किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है, मतलब एक ऐसे जगह कार्यरत होता है जहां से उसको मुनाफा होता है, जहां से उसको पेमेंट होती है, अगेन दिस इज एब्सोल्यूट ग्राउंड, यहां पे भी प्रेसिडेंट साहब का कोई ओपिनियन का रोल नहीं है, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट को कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल स्टेटेड फैक्ट दैट यू आर पार्ट ऑफ द पेड एम्प्लॉयमेंट, अदर देन दिस थिंग बस यू कैन बी रिमूव्ड। तो ये दो तो बच्चे बड़े सटीक सीधे सादे से ग्राउंड है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इंसॉल्वेंसी का हो गया, पेड एम्प्लॉयमेंट का हो गया। तीसरा है जो सबसे डेंजरस है कि उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन है। तीसरा है कि प्रेसिडेंट निकाल सकता है किसी भी चेयरमैन को, किसी भी मेंबर को, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी मेंटल इन्फॉर्मिटी की वजह से या फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से वो व्यक्ति एक सुटेबल पर्सन नहीं है उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। देखो ओपिनियन प्रेसिडेंट का है, पर ये बिल्कुल क्रूड ओपिनियन नहीं है कि प्रेसिडेंट को किसी भी व्यक्ति के बारे में लगने लगेगा कि ये सही बंदा नहीं है तो उसको निकाल देंगे, नहीं नहीं, ग्राउंड स्पेसिफिक, या तो मेंटल इन्फॉर्मिटी या फिजिकल इन्फॉर्मिटी, मतलब कोई इन्फॉर्मिटी तो होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मिटी तो होनी चाहिए, मेंटल इन्फॉर्मिटी होनी चाहिए, फिजिकल इन्फॉर्मिटी होनी चाहिए। अब मेंटल इन्फॉर्मिटी या फिजिकल इन्फॉर्मिटी ऐसी है या नहीं कि वो व्यक्ति कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में प्रेसिडेंट साहब की राय मैटर करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चेयरमैन जो मेंबर है या चेयरमैन है जो किसी भी मेंटल इन्फॉर्मिटी से सफर कर रहा है या फिजिकल इन्फॉर्मिटी से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक सुटेबल पर्सन नहीं है, तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं ओपिनियन का रोल है। तो 3 ग्राउंड्स हैं बच्चे जो हमारा ये क्लॉज 3 देता है, इंसॉल्वेंसी,
पेड एम्प्लॉयमेंट और फाइनली जैसे मैंने अभी आपको बताया मेंटल या फिजिकल इंफॉर्मिटी, जिसके देखो केवल मेंटल या फिजिकल इंफॉर्मिटी हो जाना अपने आप में ग्राउंड नहीं है कि मेंटल इंफॉर्मिटी होगी तो आपको निकाल देंगे फिजिकल, उसके बारे में राय भी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की वो सुटेबल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तीन ग्राउंड्स क्लास थ्री के अंदर, तो टोटल क्या हो गया चार ग्राउंड्स हो गए। क्लास वन और क्लास टू का मिला के हो गया कौन सा मिसबिहेवियर, जो बहुत ब्रॉड है, चारों के बराबर है, इन तीनों के बराबर है। और फिर क्लास थ्री के अंदर इंसॉल्वेंसी, एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट और ये वाला फिजिकल या मेंटल इंफॉर्मिटी। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे हमारा क्लास फोर। अगर हमारे चेयरमैन साहब या फिर कोई भी मेंबर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर वो किसी भी प्रकार से, किसी भी, ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है या फिर कोई भी राज्य सरकार पार्टी है, अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें भारतीय सरकार पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पार्टी है, ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट करता है, भाग बनता है उसका, और इस तरीके से भाग बनता है कि जिससे उसका फायदा हो, उसका मुनाफा हो, मतलब पर्सनल बेनिफिट हो, और ये जो मुनाफा हो उसकी पर्सनल कैपेसिटी हो, मतलब उसके पद से जुड़ा हुआ ना हो, एज ए मेंबर या एज चेयरमैन ना हो, एज मेंबर और चेयरमैन तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, सकता है उसकी जिम्मेदारी हो, ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है, देन इट इज फाइन। बट अगर वो ये पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलेंगे कि उसने जो किया वो मिसबिहेवियर है। मिसबिहेवियर है मतलब क्लॉज वन का सब्जेक्ट मैटर है। तो जैसा मैंने आपको बताया क्लॉज वन के अंदर ये जो मिसबिहेवियर का ग्राउंड है, जहां पे प्रेसिडेंट आपको रेफरेंस भेजनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये मिसबिहेवियर वैसे तो बहुत ओपन शब्द है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पे आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को नहीं निभाते हो या मिसयूज करते हो, मिसकंडक्ट करते हो, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, फैक्ट्स एंड सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। पर एक एग्जांपल सटीक दे रखा है क्लॉज फोर के अंदर, और वो क्या एग्जांपल है, किसी भी मेंबर का या किसी भी चेयरमैन का, किसी भी मेंबर का या किसी भी चेयरमैन का किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना और उसके अंदर पर्सनल कैपेसिटी में प्रॉफिट करना, ये एक प्रेज्यूम्ड मिसबिहेवियर है। ऐसा करोगे दैट वुड बी कंसीडर्ड मिसबिहेवियर, निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, पर वो मिसबिहेवियर माना जाएगा, मतलब रेफरेंस जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर राय देगा, उस राय को देखने के बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उसको निकालना या नहीं निकालना। एक लंबा रास्ता है, बट दिस इज अ प्रेज्यूम्ड मिसबिहेवियर। क्या है प्रेज्यूम्ड मिसबिहेवियर? ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल 317 ना, थोड़ा सा दिमाग घुमाता है मैं मानता हूं, पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 317 के अंदर बच्चे क्लॉज 1, क्लॉज 3 मेन यही है दो, क्योंकि इनके अंदर ग्राउंड्स बताए गए हैं रिमूवल के, क्लॉज 1 के अंदर प्रोसीजर अलग है, क्लॉज 3 के अंदर अलग है, क्लॉज 2 जिसमें जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 4 है, वो दोनों ही जुड़े हुए क्लॉज 1 से, तो ये एक ग्रुप है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 4 एक ग्रुप है और क्लॉज 3 अपने आप में इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो जो क्लॉज 2 है वो सस्पेंशन की बात करता है, वही आधार है जो क्लॉज 1 वाला था, मिसबिहेवियर वाला था, बस याद रखना कि गवर्नर की पावर है सस्पेंशन की स्टेट कमीशन के सामने, बाकी की प्रेसिडेंट के पास, और क्लॉज 4 प्रेज्यूम्ड मिसबिहेवियर वाला, और क्लॉज 3 के अंदर वो इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स। ठीक है, इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट और आखिरी वाला मेंटल या फिजिकल इंफर्मिटी, जिसके बारे में प्रेसिडेंट साहब की राय होगी कंटिन्यू करना वुड नॉट बी राइट। ठीक है, ये बच्चा आपका हो गया आर्टिकल 317, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान भी होते हैं। इसके बाद आता है बच्चा आर्टिकल 318। आर्टिकल 318 कंपैरेटिवली सिंपल है, पर इसको भी थोड़ा सा आपको फोकस से देखना पड़ेगा। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें यूनियन कमीशन की या फिर जॉइंट कमीशन की, इनके बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और अगर हम बात करें स्टेट कमीशन की, इनके बारे में जो हमारे गवर्नर साहब हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेशंस के माध्यम से ये निर्धारित कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, मतलब व्हाट वुड बी देयर नंबर्स, मतलब गवर्नर डिसाइड करेंगे कि उनके राज्य की जो कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स हैं, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेंथ, 5, 10, 15, 20 कितने होने चाहिए, ऐसे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि यूनियन कमीशन में या फिर जो जॉइंट कमीशन है उनमें कितनी मेंबरशिप होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब यूनियन और जॉइंट की और गवर्नर साहब स्टेट कमीशन की डिसाइड करेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले वाले चैप्टर के अंदर, मतलब इनका अपॉइंटमेंट, इनका रेमुनरेशन, इनकी छुट्टियां, इनकी पेंशन, एवरीथिंग। तो कंडीशन ऑफ सर्विस भी डिटरमाइन करने का जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब का, मतलब काम बटा हुआ है। साथ ही साथ ये जो प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब हैं ये प्रावधान बना सकते हैं किस बारे में, उन मेंबर्स के बारे में जो इस कमीशन के स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, इसके तौर पर स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, और उनकी भी कंडीशंस ऑफ सर्विस को ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं प्रावधानों की सहायता से। तो हमेशा देखना, ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी कि दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं उन लोगों को जो काम करते हैं किसी भी कमीशन के लिए। एक तो हो गए मेंबर्स, मेंबर्स जिनमें से निकलता है चेयरमैन, तो एक तो हो गए मेंबर्स। मेंबर्स के अलावा होता है स्टाफ, स्टाफ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या अदर स्टाफ, कोई भी संस्था यार उसके लिए वी नीड अ नंबर ऑफ पीपल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेंबर्स तो हो गए जो कमीशन के बारे में जो फैसले ले रहे हैं, जो जिम्मेदारियों निभा रहे हैं, स्टाफ क्या है जो सपोर्टिव स्टाफ है। तो मेंबर्स की जो आपकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो सब तो डिटरमाइन कर ही रहे हैं, स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब। इनफैक्ट जो स्टाफ है उसके संबंध में भी, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज के भी संबंध में हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब के पास पावर है कि वो प्रावधान बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे हमारा प्रोविजो। जो कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी किसी भी मेंबर की, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे वो यूनियन हो, जॉइंट हो, चाहे स्टेट हो, उनमें कभी भी बदलाव नहीं किया जाएगा जो डिसएडवांटेज करे अपॉइंटमेंट के बाद। ये बात मैंने आपको बताऊंगी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत एसेंशियल चीज है, बहुत एसेंशियल जॉब है ऑब्वियसली, और बड़ा जरूरी है कि हम लोगों की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करें, फिर वो स्टेट की बात हो, जॉइंट की बात हो, फिर यूनियन की बात हो। फॉर दैट रीजन जिन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज पे किसी भी मेंबर का, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका जो जॉब है वो उन्हीं कंडीशंस ऑफ सर्विस पे चलता है। उन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब रेमुनरेशन को बढ़ाया जा सकता है, छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है, बाकी जो चीजें, पेंशन को बढ़ाया जा सकता है, बट दे कांट बी रिड्यूस, मतलब डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, क्योंकि डिसएडवांटेज करोगे तो डराए धमकाए भैया ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी सैलरी कम कर देंगे, ऑब्वियसली बात है। तो फॉर दैट रीजन तो यू कांट चेंज द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, मतलब जिस कंडीशंस ऑफ सर्विसेज पे किसी बंदे का अपॉइंटमेंट हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दे कांट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। अगर चेंज होता है तो वो चेंजेस नए अपॉइंटमेंट्स पे लागू होंगे, अगर वो डिसएडवांटेजेस हैं तो पहले वाले पे वही लागू होते रहेंगे जिसपे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो क्योंकि जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस में चेंज होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की कंडीशन ऑफ सर्विस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे टू देयर डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आर्टिकल 318 तो आपने जैसे देखा बड़ा सिंपल था, इसमें जो प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, मेंबर्स के बारे में उनकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना, कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन करना, स्टाफ के संबंध में उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करना, और कंडीशन ऑफ सर्विस को ना चेंज कर पाना टू देयर डिसएडवांटेज उनके अपॉइंटमेंट के बाद। बेसिक चीज, बहुत बेसिक सी बात है। इसके बाद आता है बच्चे हमारा आर्टिकल 319।
319 भी थोड़ा सा सिंपल है, आपको आसान लगेगा। आर्टिकल जो 319 है ये क्या कहता है कि ऑफिस जब होल्ड करना बंद कर देते हैं हमारे चेयरमैन साहब, किसके चेयरमैन साहब, यूनियन कमीशन के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो जैसे ही वो अपने पद से हटेंगे तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। किस लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे कि अब उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकेगा, ना ही भारतीय सरकार की किसी नौकरी के लिए, ना ही राज्य सरकार की किसी नौकरी के लिए। मतलब अगर एक बार आप यूपीएससी के चेयरमैन बन गए, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद, उस पद को छोड़ने के बाद, आप ना ही भारतीय सरकार के लिए ना राज्य सरकार के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है, किसी भी राज्य सरकार के लिए आप काम नहीं कर सकते भैया, कि भाई वो अपने जब तक पद पे रहे किसी लालच में काम ना करे कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी दे देगा, इंडिपेंडेंस एंश्योर करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई भी बंदा चेयरमैन है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ऐसा बंदा भी इनएलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, ऐसा बंदा पहले तो बता रहे एलिजिबिलिटी क्या होगी, कि ऐसा बंदा रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट हो सकेगा चेयरमैन के तौर पर या फिर मेंबर के तौर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर चेयरमैन के तौर पर किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर इनके अलावा कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकेगा, ना ही भारतीय सरकार के लिए, ना ही राज्य सरकार के लिए। अब देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चे दिमाग में। देखो जहां तक बात है चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी की, उसके लिए तो बेचारे के लिए कुछ नहीं बचा कि एक बार आप यूपीएससी के चेयरमैन हो गए उसके बाद यू कांट वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, खत्म बात। पर जहां तक बात चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट सर्विस कमीशन की, किसी स्टेट कमीशन का कोई चेयरमैन है तो वो अपॉइंट हो सकता है जब तक उसका पद चल रहा है, जब तक उसका छह सालों का ड्यूरेशन पूरा नहीं होता, जब तक उसकी उम्र नहीं होती है रिटायरमेंट की, तब तक वो अपॉइंट हो सकता है। किसके तौर पर उसको बनाया जा सकता है, किसी और स्टेट कमीशन का चेयरमैन, जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जैसे मानो कोई भी बंदा है जो स्टेट कमीशन का चेयरमैन है, उसका जो शायद स्टेट कमीशन का चेयरमैन रहने का जो उसका ड्यूरेशन था वो खत्म हो गया, पर उसकी एज नहीं हुई, रिटायरमेंट की एज नहीं हुई, रिटायरमेंट की एज तो सब जगह भैया 62 ईयर्स, ऐसा बंदा को अपॉइंट किया जा सकता है किसी और राज्य के सर्विस कमीशन के लिए, वो वहाँ पे मेंबर बन सकता है, वहाँ पे चेयरमैन बन सकता है, या फिर यूपीएससी उसको अपॉइंट कर सकती है, वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। पर इन पदों के अलावा वो और कोई नौकरी नहीं कर सकेगा रिटायरमेंट के बाद, मतलब चेयरमैन के पद को छोड़ने के बाद कोई भी केंद्र सरकार की नौकरी या कोई भी राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकेगा। उसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो केवल या तो चेयरमैन बनने के हैं, या फिर मेंबर बनने के हैं यूपीएससी के, या फिर चेयरमैन बनने के हैं किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कोई भी बंदा जो चेयरमैन है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता, चेयरमैन बन सकता है, या फिर वो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है। तो यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बनना, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस और किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनना, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए। इसके अलावा दोनों चेयरमैन हो गए, इसके अलावा कोई भी मेंबर है, जो चेयरमैन नहीं है, कोई भी मेंबर है किसका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये जो बंदा है ये मेंबर रहने के बाद चेयरमैन तो बन सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन तो बन सकता है, या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन तो बन सकता है, पर इसके अलावा भारतीय सरकार के लिए या फिर राज्य सरकार के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। तो कोई बंदा जो यूपीएससी का मेंबर है, तो मेंबर होने के बाद वो उसका चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर किसी भी स्टेट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ना ही वो किसी स्टेट कमीशन का मेंबर बन सकता है, या ना ही वो यूपीएससी का दोबारा मेंबर बन सकता है, और ना ही उसके अलावा कोई दूसरी नौकरी कर सकता है भारतीय सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। तो मेंबर ऑफ यूपीएससी के पास केवल दो ऑप्शन होते हैं, या तो चेयरमैन बन जाए यूपीएससी का ही, या फिर वो चेयरमैन बन जाए किसी स्टेट कमीशन, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। और आखिरी में कि कोई भी बंदा है जो मेंबर है किसी भी स्टेट कमीशन का, ठीक है, वो बंदा चेयरमैन बन सकता है अपनी कमीशन का, जैसे स्टेट में वो मेंबर है उस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है, या फिर चेयरमैन बन सकता है किसी भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर इसके अलावा कोई और नौकरी नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी मेंबर है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, चेयरमैन मेंबर है, तो उसके पास तीन ऑप्शन है कि वो या तो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर वो अपनी कमीशन का चेयरमैन बन सकता है जिसमें वो मेंबर है, या फिर और किसी कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनना, यूपीएससी का मेंबर बनना, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बनना, ये तीन ऑप्शन होते हैं किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के पास। इसके अलावा और कोई नौकरी भारतीय सरकार के लिए या फिर राज्य सरकार के लिए इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो ये बच्चे चार डिफरेंट सिचुएशन हैं जो अप्लाई होंगी, जो एक तरीके से प्रोहिबिशन है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, और बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है वो कोई काम नहीं कर सकता, वो ना ही भारतीय सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए कोई काम नहीं कर सकता, चेयरमैन सबसे ऊपर पद, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं सर्विस कमीशन में। उसके अलावा आता है, उसके बाद आता है चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन, कोई बंदा का जो चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, किसी और स्टेट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, पर इन तीन पदों के अलावा और कोई पद होल्ड नहीं कर सकता। ऐसे अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है, यूपीएससी का मेंबर है, तो वो बंदा चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या फिर वो चेयरमैन बन सकता है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और कोई पद होल्ड नहीं कर सकता, दो ऑप्शन है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना ही सेंट्रल गवर्मेंट के। कोई भी बंदा जो मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो या तो चेयरमैन बन सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी, तीन ऑप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोहिबिशन है, डिपेंडिंग कि वो यूपीएससी का चेयरमैन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, यूपीएससी का मेंबर है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर। और इन सारी बातों पे वही कंडीशंस लागू होती हैं जो मैंने बताया आपको, दैट द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस 6 इयर्स, और जो रिटायरमेंट एज है वो स्टेट के लेवल पे 62 इयर्स की है और यूपीएससी के लेवल पे 65 इयर्स की, वो प्रोहिबिशन के अंदर रहते हुए ये सारी बातें लागू होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे आर्टिकल 320, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस बताता है, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन समझा है, उनका कंपोजिशन समझा है, उनका स्ट्रक्चर समझा है, रेस्पेक्टिव पावर समझी है गवर्नर प्रेसिडेंट की, पर अभी तक हमने ये चर्चा ही नहीं की कि जो सर्विस कमीशन है, ये जो यूपीएससी है, ये जो स्टेट कमीशन है, व्हाट डू दे डू, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको बनाया क्यों है, ये बड़े ध्यान से सुनने वाला आर्टिकल है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। इसके बाद तो आसान आसान है, 321, 322, 323 कुछ भी नहीं है उनके अंदर, बहुत ईजी आर्टिकल है, मान के चलो आखिरी आर्टिकल इसमें आपको सही में दिमाग लगाना अच्छे से। देखो बच्चे, ये जिम्मेदारी होगी, ये ड्यूटी होगी यूनियन सर्विस कमीशन की और स्टेट सर्विस कमीशन की, वो क्या करेंगे, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। किसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, किस बारे में होंगे एग्जामिनेशन, ये
ये सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के बारे में होंगे। जो सिविल सर्विसेज यूनियन के अंदर आती है उसके बारे में जिम्मेदारी यूपीएससी की होगी, जो सिविल सर्विसेज स्टेट के अंदर आती है उनके बारे में जिम्मेदारी स्टेट कमीशन की। तो सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चे जो हमारे सर्विस कमीशन की है वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के करवाने के बारे में है। सिविल सर्विस ऐसे जाते हैं ना यूपीएससी का एग्जाम स्टेट कमीशन का एग्जाम, तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना। यूनियन के लेवल की सिविल सर्विसेज गोज टू द यूपीएससी और स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज गोज टू द स्टेट कमीशन। दूसरी जिम्मेदारी ये भी ड्यूटी होगी हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो यूपीएससी की बात हो रही है, कि अगर इसको रिक्वेस्ट किया जाए दो या दो से ज्यादा राज्यों के द्वारा कि वो उन राज्यों की सहायता करे, इस बारे में सहायता करे किन्हीं भी स्कीम्स को फ्रेम करने के बारे में या उनको अपॉपरेट करने के बारे में, जो जॉइंट रिक्रूटमेंट के बारे में होंगी किसी भी सर्विसेज के संबंध में जहां पे कैंडिडेट से स्पेशल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब आसान भाषा में मैं बताऊं कि ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाय डिफॉल्ट नहीं है यूपीएससी के पास, ये कुछ चीजें प्रिज्यूम करके चल रही है। तो अगर यूपीएससी से रिक्वेस्ट की जाती है किन्हीं राज्यों के द्वारा, जो राज्य क्या करना चाहते हैं जॉइंट रिक्रूटमेंट मतलब मिलकर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहते हैं किसी भी सर्विस के संबंध में जिसके बारे में उन्होंने कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रखी, स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रखी, उन उस रिक्रूटमेंट के संबंध में अगर वो यूपीएससी की सहायता चाहते हैं जैसे स्कीम को डेवलप करना या उसको ग्राउंड पे ऑपरेट करना, तो अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट जाती है राज्यों के द्वारा तो यूपीएससी की जिम्मेदारी होगी, यूपीएससी की ये ड्यूटी होगी। बच्चे यूपीएससी के पास चॉइस नहीं है कि वो मदद करे ना करे, अगर राज्य सहायता मांग रहे हैं जॉइंट रिक्रूटमेंट के संबंध में तो उसको सहायता करनी ही होगी। तो हमेशा याद रखना यूपीएससी केवल केंद्र के लिए नहीं है, यूपीएससी राज्य के राज्यों की सहायता के लिए भी है। ठीक है, वो हमको यहां से देखने को मिलता है कि वो बाउंड है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। तीसरा, जो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको कंसल्ट किया जाएगा, कंसल्ट का मतलब उनकी राय वगैरह ली जाएगी, किन चीजों पर राय ली जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे मुद्दों पर जो सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट के रिक्रूटमेंट के मेथड से जुड़ा हुआ है, मेथड से मतलब तरीकों से कि किस तरीके से हम लोग रिक्रूट करेंगे लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए या फिर सिविल पोस्ट के लिए, ऐसे जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में राय देना एक बहुत एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपीएससी का भी और स्टेट कमीशन का भी, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी का एरिया है ये। तो रिक्रूटमेंट के मेथड्स जो है, जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट होनी है उसके संबंध में कंसल्टेशन बहुत एसेंशियल है। इसके अलावा इन दोनों को कंसल्ट किया जाएगा उन प्रिंसिपल्स के संबंध में, उन सिद्धांतों के संबंध में जो सिद्धांत फॉलो किए जाने हैं अपॉइंटमेंट करते वक्त लोगों का सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल पोस्ट के लिए, या फिर लोगों का जो पहले से कार्यरत हैं जो सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं उनका प्रमोशन के लिए, या फिर अगर सवाल उठता है उनके ट्रांसफर का तो उनके ट्रांसफरों के लिए। तो चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, इन सारी चीजों को करते वक्त किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इन सभी चीजों के बारे में जो जिम्मेदारी है वो हमारे यूपीएससी की है, वो स्टेट कमीशन की है कि वो प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे इन चीजों के संबंध में। इसके अलावा जितने भी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, मतलब किसी को निकालना है, किसी के खिलाफ एक्शन लेना है, जो भी ये सारी चीजें हैं, जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालेंगे जो पहले से भारतीय सरकार के लिए या फिर किसी भी राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है सिविल कैपेसिटी में, ठीक है, उनके बारे में भी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वहां पर यूपीएससी का और स्टेट कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको क्या याद रखना है, जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं इन डिसिप्लिनरी मैटर्स के संबंध में भी इंपॉर्टेंट कंसल्टेटिव रोल है हमारे यूपीएससी का और स्टेट कमीशन का। और इसके बाद कंसल्टेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएससी का, स्टेट कमीशन का, जब बात आएगी किसी भी क्लेम की जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा है या किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो भारतीय सरकार के लिए काम करता है या काम करता था, या फिर राज्य सरकार के लिए काम करता है या करता था, या फिर क्राउन के लिए भारतीय संविधान लागू होने से पहले क्राउन के लिए काम करता है या करता था, या फिर किसी भी प्री एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट मतलब भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो राज्य हुआ करते थे उनमें से किसी के लिए काम करता था या करता है सिविल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, सिविल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। और ये क्लेम किसके बारे में हो सकता है, कोई भी कॉस्ट, कोई भी खर्चा जो इंकर किया गया उसके द्वारा अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही के अंदर, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो उस खिलाफ जारी की गई थी किसी भी ऐसी चीज के बारे में जो उसने किया था अपनी ड्यूटी का पार्ट समझकर, अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी थी उसके आधार पर उसको खर्चा देने के बारे में, उसका जो कॉस्ट इनकर हुआ उन सब चीजों के बारे में कि उनको किस आधार पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा, क्योंकि अगर वो केंद्र का सर्वेंट है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा और राज्य का है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे यूपीएससी का स्टेट कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो माना कोई भी व्यक्ति है जो सिविल कॉन्टेक्स्ट में काम करता है राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार के लिए पहले से कर रहा है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसको खर्चा वर्चा करना पड़ा, उसकी कॉस्ट वगैरह हुई हो और बस ये जरूरी है कि जो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ इनिशिएट हुई वो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में हुई, उसकी उसने कुछ पर्सनली कुछ ऐसा किया उसके बारे में कार्रवाई नहीं थी, उसने कुछ अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया जिसकी वजह से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई जिसके ऊपर उसका खर्चा हुआ। अगर वो व्यक्ति इस खर्चे को क्लेम कर रहा है तो ऐसे क्लेम्स के संबंध में भी राय देना कि ऐसे क्लेम्स को अलाउ करना है, नहीं करना, करना है तो कितना करना है, पैसा कहां से आएगा, उन सब के बारे में भी यूपीएससी का स्टेट कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेटिव रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी सिनेरियो है जहां पे कंसल्टेटिव रोल होता है हमारे इसका किसका कमीशन का, वो है कि कोई भी जो क्लेम है वो किसी भी अवार्ड के संबंध में है जो पेंशन के बारे में है, कोई भी चोट लगी है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इंजरी पहुंची है और वो जो इंजरी पहुंची है वो तब पहुंची है जब वो काम करता था भारतीय सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, क्राउन के लिए, किसी भी फॉर्मर इंडियन स्टेट के लिए सिविल कैपेसिटी के अंदर, तो कितना पैसा दिया जाना है, कहां से किया दिया जाना है, इन सब के बारे में भी जो हमारा यूपीएससी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल रहता है इन सारी चीजों के बारे में जवाबदेही करने का, मतलब कंसल्टेटिव प्रोसेस है। तो बच्चे आप इस तरीके से याद करो कि जो यूपीएससी की फंक्शनैलिटी है ना, कुछ जगह तो उसका जो रोल है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का है, जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, जैसे प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करना, इसके अलावा जो बाकी के कॉन्टेक्स्ट हैं वहां पे उसका कंसल्टेटिव रोल ज्यादा है कि उसे राय ली जाएगी फलानी फलानी चीजों के बारे में और उस कंसल्टेटिव जो उसकी सिचुएशन है उसके अंदर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। क्योंकि बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो भी कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट बनता है वहां पर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या जो स्पेशलाइज्ड स्किल है वो यूनियन के लेवल पे यूपीएससी के पास है, राज्य के लेवल पे स्टेट के पास। दैट इज द रीजन कि ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसके जो पांच बिंदु हम लोगों ने पढ़े कि ये फलाने फलाने मुद्दे के बारे में हम राय लेंगे तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, उसमें बड़ा वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं कि कंसल्टेशन केवल एक हॉलो एक्सरसाइज है, काफी सिचुएशन में, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन में जो यूपीएससी का सजेशन होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मतलब कि वही राय आखिरी राय मानी जाती है,
हमेशा ऐसा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ काफी हद तक जो ऑथेंटिसिटी है बच्चे वो इस बात से स्थापित होती है। तो हमारा ये जो आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंदर ये जो डिफरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, सही मायनों में समझने के लिए कि हमारा जो सर्विस कमीशन है वो किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं बच्चे। सबसे पहले तो क्या सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है भाई? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल पोस्ट के लिए। उसके बाद क्या हुआ भाई, आपको क्या करना है, अगर रिक्वेस्ट की जाती है आपके आपसे दो या दो से राज्यों के द्वारा किसी भी जॉइंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज के संबंध में, तो उनकी मदद करना, दूसरी जिम्मेदारी। उसके बाद पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस है, तो मेथड्स जो अपॉइंट होंगे रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, डिसिप्लिनरी मैटर्स पे सजेशन, उसके बारे में जो राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। उसके अलावा कोई भी क्लेम रेस किया जा रहा है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के संबंध में किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, उसके संबंध में राय बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लेम रेस किया जा रहा है जो किसी भी एम्प्लॉय को जो चोट पहुंची है उसकी सर्विस के दौरान, उसके बारे में राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे डिफरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो हमारे यूपीएससी के। फिर आता है हमारा प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है कि अगर हमारा प्रेसिडेंट साहब चाहे तो उन मुद्दों के बारे में जो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या और जो बाकी के सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और पोस्टों से जुड़े हुए हैं, जो यूनियन के अफेयर से संबंध रखते हैं, या फिर जो हमारे गवर्नर साहब है बाकी की सर्विसेज के बारे में जिनका कनेक्शन स्टेट के साथ है, मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ी हुई और ऐसी सर्विसेज से जुड़ी हुई जो यूनियन से रब्ता रखती है, और गवर्नर के पास पावर है जो स्टेट से जुड़ी सर्विसेज है, कि क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेशंस बना सकते हैं उन मुद्दों के बारे में, उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो किन्हीं परिस्थितियों में लागू होंगे। और वो परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पे ये जरूरी नहीं होगा, ध्यान से लिखना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन ली जाए। अब देखो यही है जो पूरा गेम है ना बच्चे, वो ये प्रोविजो पे ही है। देखो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात नहीं है। राज्यों के द्वारा सहायता मांगी जा रही है उनकी सहायता करना, फिर से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात नहीं। बट जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ना बच्चे, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो यूपीएससी है या फिर स्टेट कमीशन से, दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, वो फैसला नहीं दे रहे हैं या वो कार्यरत नहीं है, उनका जो रोल है वो कंसल्टेटिव है, उनकी राय ली जा रही है। और जो पांच डिफरेंट डिफरेंट आपको देखा कि बहुत इलेबोरेटेड सिचुएशन थी, जो मुझे लगता है कि हर एक एस्पेक्ट जो किसी भी सिविल सर्विस से जुड़ा सकता है वो सारे इंक्लूड हो गए उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में कंसल्टेशन के बारे में जिम्मेदारी है। पर यही बच्चे प्रेसिडेंट साहब को और गवर्नर साहब को बहुत ही क्रूशियल पावर दी गई है। प्रेसिडेंट साहब को पावर दी गई ऐसे सभी मुद्दों के बारे में जो ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर यूनियन की सर्विस से जुड़े हुए हैं। गवर्नर साहब को पावर दी गई जो स्टेट सर्विस से जुड़े हुए होते हैं, कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो, गवर्नर साहब चाहें तो, वो बोल सकते हैं कि किसी भी मुद्दे के संबंधित जो शायद ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ा है, यूनियन सर्विस से जुड़ा है, स्टेट सर्विस से जुड़ा है, हमको यूपीएससी की या फिर उस स्टेट कमीशन की राय लेने की जरूरत नहीं होगी, मतलब कंसल्ट करना जरूरी नहीं होगा। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसे मुद्दे हों जिनको प्रेसिडेंट साहब, जिनको गवर्नर साहब, जो भले ही उन पांच कैटेगरीज में गिरते हों, हमारे यूपीएससी के या फिर स्टेट कमीशन के कंसल्टेटिव प्रोसेस से बाहर ले जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बस बच्चे याद रखना कि ये जो पावर है ये केवल और केवल प्रेसिडेंट या गवर्नर के साहब पास है, कि वो कुछ रेस्पेक्ट्स में जो कंसल्टेटिव जिम्मेदारियां हैं यूपीएससी के स्टेट कमीशन की उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पर वहीं आ जाता है हमारा क्लॉज 4, कहता है कि भले ही हमने जो भी कुछ पढ़ा अभी क्लॉज 3 के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है जिनके संबंध में हमने कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट पढ़ी वो जरूरी होगी उन मुद्दों के बारे में जो मुद्दे आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 से जुड़े हुए हैं या फिर वो मुद्दे जो आर्टिकल 335 से जुड़े हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये कहा कि क्लॉज 3 के अंदर भले ही ये बात बिल्कुल सही है कि हमने यूपीएससी का स्टेट कमीशन से कंसल्टेटिव प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, पर जब भी बात आएगी ऐसी चीजों की जो आर्टिकल 16 4 से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 16 आपको याद है फंडामेंटल राइट है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, उसका जो क्लॉज 4 है वो बच्चे रिजर्वेशन से संबंधित आपको याद होगा, उसको मैं एक बार दिखा देता हूं। दोनों ही आर्टिकल जो है 335 भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही अपना वो रखता है, और उन्हीं के बारे में है। एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एक वो सर्टेनिटी रह जाएगी। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अंदर ये पावर दी गई है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लागू कर सकती है। ऐसे ही हमारा बच्चा आर्टिकल 335 है, अभी हम पहुंचे नहीं वहां पे पर जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 335 है वो कहता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, वही सेम कॉन्टेक्स्ट है, रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो दोनों ही आर्टिकल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन देते हैं सरकारों को कि वो अपने डिसीजन लेंगी और अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी डेवलप करेंगी एज पर द रिजर्वेशन, वहां पे यूपीएससी से कंसल्ट करना, मतलब ऐसी पॉलिसी को डिटरमाइन करने से पहले या उसको रेगुलेट करने से पहले या फिर किसी भी स्टेट कमीशन को कंसल्ट करना जरूरी नहीं होगा। किया जा सकता है अगर चाहे तो, ऐसा कोई बार नहीं है, पर जरूरी नहीं होगा, इट वुड नॉट बी एसेंशियल। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको यूपीएससी की पर्व्यू से या फिर स्टेट कमीशन की पर्व्यू से बाहर रखा गया है। इसके बाद बच्चे क्लॉज 5 आता है कि जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उस प्रोविजो के अंदर, जो क्लॉज 3 का प्रोविजो भैया जहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने ये पावर दी है कि वो बाहर ला सकता है कंसल्टेटिव प्रोसेस से कुछ मुद्दों को, उसके बारे में है। तो जो भी एक्शंस लिए जाते हैं प्रोविजो के अंदर क्लॉज 3 के प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा, उनके बारे में ये जरूरी होगा कि उन प्रावधानों को कम से कम 14 दिनों के लिए, 14 डेज के लिए अगर वो पावर प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज किया तो लोकसभा के सामने और राज्यसभा के सामने रखा जाएगा, और अगर वो पावर गवर्नर साहब ने एक्सरसाइज किया तो वो जो स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसमें एक ही सदन असेंबली असेंबली के सामने रखा जाएगा, दोनों में तो असेंबली और काउंसिल दोनों के सामने रखा जाएगा। जैसे ही ऐसे सिचुएशन आती है, मतलब ऐसे प्रावधान बनाए जाते हैं तुरंत के तुरंत, और अगर पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का कोई भी हाउस या फिर स्टेट लेजिस्लेचर चाहती है कि ये जो पावर एक्सरसाइज किया प्रेसिडेंट या गवर्नर ने उसमें कोई भी बदलाव किए जाने चाहिए या फिर उन चीजों को हटा देना चाहिए, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकेगी। कहने का मतलब है हमने जो आर्टिकल 320 के क्लॉज 3 के प्रोविजो के अंदर पावर दी थी प्रेसिडेंट साहब को, गवर्नर साहब को, कि वो कुछ मुद्दों के संबंध में प्रोविजंस बना के उनको यूपीएससी के या फिर स्टेट कमीशन से कंसल्टेटिव प्रोसेस से बाहर ले जा सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब कभी भी उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, जो भी प्रोविजंस बनाएंगे उन प्रोविजंस को उनको तुरंत के तुरंत कम से कम 14 दिनों के लिए पार्लियामेंट के सामने और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं और उन्हें बदला भी सकते हैं। तो जो पावर हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी थी वो पावर है, बट अनब्रिल्डेड पावर नहीं है, वो रेगुलेटेड है और वो एक्सरसाइज की जाएगी इन द सुपरविजन ऑफ द पार्लियामेंट, इन द सुपरविजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है,
ठीक है, दैट इज इट। इसी के साथ बच्चे जो हमारा आर्टिकल 320 है जो फंक्शंस के बारे में था वो भी खत्म होता है, बड़ा सिंपल सा। क्लॉज 1 सिंपल एग्जामिनेशंस, क्लॉज 2 जब स्टेट साहित्य मांगे, क्लॉज 3 कंसल्टेटिव प्रोसेस जिसके 5 पॉइंट्स और एक प्रोवाइजर, ये 5 मुद्दों के बारे में कंसल्टेशन की जो रोल है इसका पब्लिक सर्विस कमीशन का उसकी, और फिर प्रोवाइजर क्या प्रेसिडेंट वाली बात, और आखिरी में ये वाली बात आगे कि भाई जो पार्लियामेंट का रोल हो सकता है और स्टेट असेंबली का रोल हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल हो सकता है, बस ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद बच्चे बचते हैं 3 आर्टिकल्स। हाँ, मैं बोल रहा था 1 घंटा पूरा हो गया, मैं आप लोगों के 15 मिनट लूंगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। 321, 322, 323 तीनों आर्टिकल्स बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है बच्चे वो है 321, इसको देखो क्या कहता है। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो चाहे तो ये प्रोवाइड कर सकता है कि तुम्हारी यूपीएससी है या फिर जो हमारी स्टेट कमीशन है वो कुछ एडिशनल फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगी जिनकी चर्चा अभी तक हमने नहीं की, मतलब जिनको हमने कवर नहीं किया आर्टिकल 320 के अंदर, मतलब एडिशनल फंक्शंस के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की जा सकती है। जहां तक बात यूपीएससी की है उसके बारे में पार्लियामेंट पावर एक्सरसाइज करेगा, जहां तक बात स्टेट कमीशन की उसके बारे में उस राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर पावर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो जो पावर्स और फंक्शंस वेस्ट की गई हैं आर्टिकल 320 के अंदर वो तो है ही, वो तो कहीं नहीं जा रही, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड है। अदर देन दिस, पार्लियामेंट अगर चाहे तो यूपीएससी की और स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो स्टेट कमीशन की जो फंक्शंस हैं उनको और ब्रॉडन कर सकते हैं, उन पे और जिम्मेदारियां थोप सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, दैट्स इट। इसके बाद आता आर्टिकल 322 जो खर्चे की बात करता है, ये बड़ा सिंपल आर्टिकल है, ये कहता है कि जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे वो यूनियन के लेवल की हो चाहे वो स्टेट के लेवल की हो, और खर्चे में क्या क्या आता है, सैलरीज हो गई चेयरमैन की, मेंबर्स की, स्टाफ की, उनके अलाउंसेस हो गए, उनके पेंशन हो गए, ये सारे खर्चे ही तो है। तो जो भी खर्चा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, मतलब यूनियन कमीशन का, वो सारा खर्चा कहां से आता है बच्चे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और जो भी सारा खर्चा स्टेट कमीशन का है वो सारा कहां से आता है बच्चे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, ठीक है, सिंपल सी बात है। यूपीएससी का सारा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और स्टेट कमीशन का सारा खर्चा उस राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से। और आखिरी आर्टिकल है जो रिपोर्ट्स के बारे में, ये भी बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, ये कहता है कि हमारा जो यूनियन कमीशन है ना, मतलब जो हमारा यूपीएससी है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो हर साल प्रेसिडेंट के सामने एक रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट के अंदर वो बताएगा कि उसने उस पूरे साल के दौरान क्या काम किया, हर एक चीज। और जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास, फिर प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी होगी कि वो उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालेंगे और उस कॉपी के साथ अपना एक मेमोरेंडम लगाएंगे, अपना खुद का, और उस मेमोरेंडम के अंदर वो लिखेंगे सारी डिटेल्स, ठीक है, किस बात की डिटेल्स, कि कब कब इस पूरे साल के दौरान हमारी यूपीएससी से राय ली गई और कब कब जो राय ली गई यूपीएससी से उसको माना नहीं गया, मतलब राय के खिलाफ जाके कुछ किया गया, और साथ ही साथ क्या वजह रही जिसकी वजह से राय के खिलाफ जाके आपको कुछ करना पड़ा। और ये जो रिपोर्ट थी कमीशन की प्लस दिस मेमोरेंडम, इसको दोनों सदनों के सामने प्रेसिडेंट साहब को पेश करना होता है। तो एक जिम्मेदारी है कमीशन की, यूपीएससी की, एक जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट साहब की, दोनों जुड़ी हुई है। यूपीएससी की जिम्मेदारी उसके पूरे साल का, उसकी जो फंक्शनलिटी है, जो भी कुछ किया, फिर वो चाहे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया हो, स्टेट की हेल्प करने की हेल्प की हो, या फिर जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस है, किसी भी चीज के बारे में कंसल्टेशन दिया, जो भी कुछ किया, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो प्रेसिडेंट साहब के सामने पेश करेगी। फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस रिपोर्ट की कॉपी निकालेंगे और अपना एक मेमोरेंडम बनाएंगे और उस मेमोरेंडम में वो स्पेसिफिकली लिखेंगे वो सारे इंस्टांसेस, वो सारी सिचुएशन जहां पे यूपीएससी की राय ली गई और उस राय को माना नहीं गया। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर रहे आर्टिकल 320 के क्लॉज 3 के अंदर, जो जिस भी बात पर राय ली गई, जिस भी मुद्दे पर राय ली गई और उस राय को माना नहीं गया, मतलब अलग चीज की गई, यूपीएससी की राय ड्राइव के अंदर जो था उससे अलग चीज की गई और क्यों की गई, ये सब मेमोरेंडम लिखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट प्लस मेमोरेंडम जो प्रेसिडेंट साहब है वो लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश करेंगे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी है और दोनों ही बाउंड है, दोनों जगह कोई भी चॉइस की बात नहीं है। ऐसे ही बच्चे जो हमारे स्टेट कमीशन है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो हर साल अपने कार्यक्रम की रिपोर्ट, जो भी सब कुछ किया पूरे साल को, अपने राज्य के गवर्नर के सामने पेश करेगा, ठीक है। और फिर जो गवर्नर साहब है उनकी जिम्मेदारी क्या होगी कि वो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो बताया आपको, मेमोरेंडम बनाएंगे और उसको पेश करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है जिसको आपको याद रखना है कि अगर एक राज्य का एक अपना खुद का सर्विस कमीशन था तो कोई परेशानी नहीं है, तो वो जो कमीशन होगा वो अपने गवर्नर को दे देगा और गवर्नर अपनी आगे की जिम्मेदारी निभा देगा। और अगर सिचुएशन जॉइंट कमीशन की, जॉइंट कमीशन का मतलब जब एक से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही कमीशन काम करता है, तो जॉइंट कमीशन जो होगा वो अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसकी कॉपी हर एक राज्य के, जिस भी राज्य के लिए कमीशन काम करता है, दो हो, तीन हो, चार हो, हर राज्य के गवर्नर को देगा, ठीक है। तो अगर 3 राज्यों के लिए काम कर रहा है तो जॉइंट कमीशन तीनों राज्यों के गवर्नरों को अपनी रिपोर्ट देगा, और जैसे ही इन गवर्नर को या गवर्नरों को वो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके साथ वो मेमोरेंडम लगाएंगे जिसके अंदर वो सारे केसेस को मेंशन करेंगे जब जब उन्होंने स्टेट कमीशन की राय ली थी या फिर जॉइंट कमीशन की राय ली थी और उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसे करने की क्या वजह थी वो भी वो लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे किसके सामने, गवर्नर अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने, ठीक है। तो ये आर्टिकल 323 है सिंपली रिपोर्ट्स के बारे में, यूपीएससी का रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट का रिपोर्ट सबमिट करना अलग विद मेमोरेंडम पार्लियामेंट के सामने, ऐसे ही जॉइंट कमीशन का, स्टेट कमीशन का रिपोर्ट सबमिट करना गवर्नर के सामने और गवर्नर का रिपोर्ट को अलग विद मेमोरेंडम सबमिट करना स्टेट लेजिस्लेचर्स, बस यही हो गया यार, ठीक है। मुझे थोड़ा सा उम्मीद आज कम लग रहा था बट फाइनली वी कंप्लीटेड द एंटायर पार्ट 14, जो बच्चे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी था और बहुत ह्यूज भी था। तो आज बच्चे हम लोगों ने, हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, प्राउडली बोल सकते हैं कि जो पार्ट नंबर 14 है उसका जो दोनों चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 जो सर्विस के बारे में था आर्टिकल 308 से लेकर, सबसे पहले जो पहला क्लास था उसमें 308 से लेकर 312 तक हम लोगों ने पढ़ा था, फिर जो दूसरा क्लास था उसमें 312 ए से लेकर हमारी चर्चा जो है 316 तक गई थी, और ये जो फाइनल सेशन था इसमें हम लोगों ने 317 से लेकर 323 पे आकर डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है बच्चे जो भी कुछ मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इन आर्टिकल्स को इस स्टैट्यूट से ही, किसी किताब से नहीं, कहीं से भी नहीं, आपका जो बेयर एक्ट है वहीं से ही रिवाइज करना है, कम से कम दो बार रीड आउट करना है वर्ड टू वर्ड और उन बातों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बात बताई, और वही बाल की खाल नहीं निकालनी है, कहानी समझने की कोशिश करनी है, एसेंस को ग्रेस करने की कोशिश करना है, ठीक है। बाकी बच्चे मैं आप सभी लोगों को कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, और कल जो हमारा डिस्कशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तब तक लिए बाय।